वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ ICS फर्स्ट ईयर। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमने देखना है डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और कम्युनिकेशन मीन्स के वो जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना या कम्युनिकेट करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में होता है जी, डाटा कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल वायर, और इट कैन बी एयर और वैक्यूम ऑल्सो। फॉर अक्रेंस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन होने के लिए कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट बी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। अब उसके बाद हमने देखने हैं जी, हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से हैं डाटा कम्युनिकेशन के। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स की बात करें तो देर आर मेनली 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैसेज आता है जिसको हमने सेंड करना है। उस मैसेज को सेंड करने के लिए हमारे पास एक सेंडर डिवाइस होती है, और उसी मैसेज को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक रिसीवर डिवाइस होती है। अब ये मैसेज जो हम सेंडर से रिसीवर तक सेंड कर रहे हैं, ये किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया से गुजर के जाएगा, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। अब मैसेज जब सेंडर सेंड करता है तो वो उसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेंड करता है जो कि रास्ते में किसी को समझ ना आए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैसेज जब भी सेंड किया जाता है तो उसको एनकोड करके सेंड किया जाता है ताकि वो उस मीडिया के अंदर से गुजर सके। और जब मीडिया के अंदर गुजरने के बाद वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसे दोबारा पहले डिकोड करता है और फिर उसे समझता है। इन कंपोनेंट्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं मैसेज। दिस इज़ मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारे पास मैसेज है वो सबसे ज़रूरी असासा है। द मैसेज सिंपली रेफर्स टू द डाटा आर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। अ मैसेज कुड बी इन एनी फॉर्म, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, कोई वीडियो हो सकती है। ये बात थी हमारे पास जी मैसेज के लिए, कि जो भी चीज़ हमने सेंड करनी है उसको हम कहते हैं मैसेज। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है सेंडर। टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन, टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले द रोल ऑफ सोर्स। सेंडर प्लेज पार्ट ऑफ सोर्स इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज़ सिंपल अ डिवाइस दैट सेंड्स डाटा और मैसेज। अब ये डिवाइस जो हमारे पास है ये कौन सी हो सकती है? कोई कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा, या कोई वर्क स्टेशन वगैरह हो सकता है। ये हमारे पास सेंडर डिवाइस के बारे में बात होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है जी रिसीवर। अब रिसीवर बिल्कुल सेंडर ही की तरह होता है, लेकिन सेंडर और रिसीवर में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है कि सेंडर मैसेज सेंड करता है जो कि सोर्स कहलाता है, और रिसीवर ने उसी मैसेज को कलेक्ट करना है, और इसलिए रिसीवर डेस्टिनेशन होगा। बाकी सारी चीज़ें सेंडर और रिसीवर में सेम है। इट इज़ द डेस्टिनेशन वेयर मैसेज सेंट बाय द सोर्स शुड अराइव। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज। सेम एज सेंडर, रिसीवर डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा या वर्क स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने डिस्कस करना है वो जी ट्रांसमिशन मीडियम। देयर मस्ट बी समथिंग विच कुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट। इट इज़ फिजिकल पाथ बाई विच डाटा और मैसेज ट्रेवल्स फ्राम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम कुड बी गाइडेड मीडिया हो सकता है। दो तरह का हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का हो सकता है, गाइडेड मीडिया जिसके अंदर तारें वगैरह होती हैं, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस मीडिया आप कह लें।
अब एग्जांपल इसकी क्या क्या हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है जी वो है एनकोडर। एनकोडर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जब डाटा सेंडर ने सेंड करना होता है तो वो डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है। अब डिजिटल फॉर्म जो होती है वो हमारे मीडिया के अंदर या तार के अंदर से तो नहीं गुजर सकती, इसलिए उस मैसेज को सेंडर की तरफ से सेंड करने के लिए, सेंड करने से पहले हमें एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है कि वो मैसेज मीडिया के अंदर से गुजर सके। ये कन्वर्जन जो डिवाइस करती है उसको हम कहते हैं एनकोडर। कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू द फॉर्म दैट कैन बी पास्ड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ अटैच्ड विद सेंडर। इस तरह अगर डिकोडर की बात करें तो कन्वर्ट्स, डिकोडर क्या करता है जी, इट कन्वर्ट्स सिग्नल्स फ्रॉम एनकोडेड फॉर्म टू द डिजिटल फॉर्म सो दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डाटा, इट इज़ अटैच्ड विद रिसीवर। ये हमारे पास थे जी डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट एनकोडर और डिकोडर। अब इस चीज़ को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैसेज हमने सेंड करना है, उसके लिए हमें एक चाहिए कंप्यूटर जिसको हम कहेंगे सेंडर, और दूसरा वो कंप्यूटर चाहिए जिसको, जिसने डाटा को रिसीव करना है। यहाँ पे मिस्टेक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सेंडर नहीं है, ये रिसीवर है। अच्छा जी, अब ये मैसेज हमने सेंडर से रिसीवर सेंड करना है। अब जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा तो वो पहले उसको एनकोड करेगा, उसके बाद एक कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर से ये मैसेज पास होगा। अब जब मैसेज पास होगा और रिसीवर तक पहुंचेगा, इस सेंडर से रिसीवर तक जब मैसेज पहुंचेगा तो वो पहले उसे डिकोड करेगा। तो इस तरह करके हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंच गया, यहाँ पे एक डाटा कम्युनिकेशन का फ़्लो भी हमने देख लिया, और इस कम्युनिकेशन के अंदर जो जो पार्ट्स या जो जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने देख लिए। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।